गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 10 सितंबर और मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 58। ये वर्कशीट 6th, 7th और 8th क्लास के सभी बच्चों को करनी है। ओके बच्चों, तो चलो अलोंग विद मेंटेनिंग आवर पर्सनल हाइजीन, हमारे पर्सनल हाइजीन मतलब हमारे शरीर की साफ सफाई, ठीक है। अलोंग विद मतलब साथ में, ठीक है। हमें हमारे शरीर की सफाई के साथ साथ इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, जो हमारी सराउंडिंग है उनको भी हम क्लीन रखें। सो वी मस्ट क्लीन आवर होम्स डेली, हमें अपने जो घर है उनको डेली साफ करना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ वेस्ट टू बी एक्यूमुलेटेड, हमें जो वेस्ट है उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देना चाहिए। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, इकट्ठा, ठीक है। इनसाइड आवर होम वी शुड ट्राई टू पुट वेट वेस्ट, वेस्ट जो वेट वेस्ट होता है जैसे सब्जियों के छिलके हो गए और फ्रूट्स के छिलके हो गए, तो वो हमें कहाँ डालने चाहिए? वो हमें ग्रीन डस्टबिन में डालने चाहिए। ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक, मेटल ऑब्जेक्ट, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस, हमें किस में डालने चाहिए? ब्लू डस्टबिन में। सो दैट इट इज ईजियर टू मैनेज वेस्ट, सो दैट ये ईजी हो जाए हमारे लिए वेस्ट को मैनेज करना। ग्लास बोटल्स और क्लोथ बैग्स, जो ग्लास बोतल हैं और क्लोथ बैग्स हैं, कैन बी चेक्ड थ्रोली, बहुत अच्छे से उनको एक बार चेक कर लेना चाहिए बिफोर थ्रोइंग, ठीक है। थ्रोइंग क्या होता है? फेंकने से, ठीक है। थ्रोइंग इनटू द डस्टबिन, कैन इट बी यूज्ड रीयूज, जब चेक करें तो ये देखना है कि क्या उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। इफ यस, अगर यस देन वी मस्ट ट्राई टू यूज देम अगेन, तो हमें उसको क्या करना है? ट्राई करना है उसको दोबारा यूज करने का। ओके बच्चों, नाउ योर ब्रदर हैज टोर्न पेपर इनटू स्मॉल बिट्स, ठीक है। आपके भाई ने जो पेपर है उसको छोटी छोटी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया है? फाड़ दिया है। इन विच डस्टबिन शुड ही पुट द पेपर बिट्स, किस में रखेगा वो? देखिए बताया ब्लू डस्टबिन में। ड्राई जो वेस्ट है वो किस में रखेंगे? ड्राई वेस्ट जो है हमारा किसमें होगा? आपको ड्राई नहीं लिखना है, आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पे? अब नेक्स्ट में क्या करना है? राइट द नेम ऑफ टू थिंग दैट शुड बी चेक, तो दो थिंग कौन कौन सी? एक तो ग्लास बोतल और दूसरा क्लोथ बैग। नंबर वन इज ग्लास बोतल, सेकंड इज व्हाट इज द सेकंड थिंग इज, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, क्लोथ बैग। ओके, नाउ अब हम डालेंगे, मेक अ लिस्ट ऑफ अ ड्राई वेस्ट इन योर स्कूल, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ ड्राई वेस्ट इन योर स्कूल, तो सॉरी स्कूल बोल रही हूँ, होम आएगा। तो देखो हमारा क्या होता है? पेपर होता है एक तो, ठीक है, पेपर के छोटे छोटे पेपर बिट्स होते हैं, या पेपर लिख लो, प्लास्टिक की बोटल्स होती हैं, प्लास्टिक की बोटल होते हैं, ठीक है। आपके जो जो कवर होता है पेन का वो भी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। जो पेंसिल के छिलके होते हैं वो भी वेस्ट हो जाता है, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब ड्रॉ द डस्टबिन इन विच योर मदर शुड थ्रो द वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, तो आपको कुछ ऐसे जो है डस्टबिन बना लेना है। क्या करना है? जिस बच्चे की ड्रॉइंग अच्छी नहीं है ऐसे करके एक डस्टबिन बना लेना है, उसको ऐसे कर लेना है, और एक ढक्कन, अगर ढक्कन रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ से जब पैर से क्या करते थे उसको खोलते हैं, तो यहाँ पे फिर इस तरीके से वेट वेस्ट लिख देना, या फिर गीला कचरा उस पर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट हो गई है। आई थिंक क्या पूछा हुआ था ना कि जिसमें आपकी मम्मी वेजिटेबल और फ्रूट्स डालेगी वो आपको क्या करना है? वो डस्टबिन बनाना है, तो ग्रीन कलर वाला बनाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर ली ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।